नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुन दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुची दुनिया भारतीय अर्थचारे की गति तो प्रभावित हुई है। उद्यमी भारत प्रोग्राम नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने अर्थचारे च MSME सैक्टर की भूमिका ते चानना पाया। GST कौंसल वालों दरां च तब्दीली संबंधी सिफारशां 18 जुलाई तो लागू होणगियां। इसरो वालों व्यापारक समझौते तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों नूं अज पुलाड़ विच दागिया जाएगा। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपड़े अलरोडा कप के क्वार्टर फाइनल च पुजे। विस्तार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय अर्थचारे की गति नूं देख के प्रभावित हो रही है। नवी दिल्ली के विज्ञान भवन च उद्यमी भारत प्रोग्राम नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि सूखम लघु और दरम्याने उद्यमों के मजबूत होने का मतलब समाज का मजबूत होना है। उन्होंने कहा कि भारत की कुल बरामद में MSME की वड्डी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने इन उद्यमों की पिठ भूमि का जिक्र करदियां कहा कि पिछलियां सरकारां वल्लों इस सैक्टर नूं उस दे भागां ते छड़ दिता गया सी ते हुण भारत की कुल कमाई का 30% इस सैक्टर तो आंदा है। सरकार वल्लों कीतियां जा रहियां वख-वख पहलकदमियां का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियां के जरिए वड्डे बदलाव लियांदे जा रहे ने। उन्होंने MSME सैक्टर नूं जैम पोर्टल का लाभ लैण की अपील की थी अते भरोसा दिता है कि सरकार उन्हां दी हर तरह नाल मदद करने लई तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दे भारत विच MSME सैक्टर की वड्डी भूमिका होवेगी अते भारत नूं विदेशां ते निर्भरता नूं घट करन दी कोशिश विच मदद मिलेगी। इस लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा कि MSME के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के MSME सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सूखम लघु और दरमियाने उद्योगों के विकास में तेजी लाने लिए प्रमुख पहलकदमियों की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की प्रधानगी है चंडीगढ़ च हुई GST कौंसल की 47वीं मीटिंग च GST दरां च तब्दीली की सिफारिश की गई है। इन्हां सिफारिशां मुताबिक छपाई लिखाई और चित्रकारी लिए वरती जाने वाली स्याही बिजली नाल चलन वाले पंप ट्यूबवैल टरबाइन पंप सबमरसीबल पंप और बाईसीकल पंपां ते GST की दर 12% तो वधा के 18% करन की सिफारिश की गई है। इस तों इलावा जिन्हां वस्तां ते GST दर 18% करन की सिफारिश की गई है उन्हां फलां ते आंडियां नूं साफ करन छांटी करन ते ग्रेडिंग करन वालियां मशीनां दे पुरजे दुध वालियां मशीनां ते डेयरी मशीनरी LED बल्ब लाइटां ते फिक्स रात शामिल ने। GST कौंसल वल्लों कई वस्तां ते GST दी दर 5% तो वधा के 18% करन दी सिफारिश की गई है। इस मीटिंग च कई होर महत्वपूर्ण फैसलियां नूं भी प्रवानगी दित्ती गई। कौंसल वल्लों राज्यां दे वख-वख मुद्दियां दे हाली मंत्रियां दे समूह दा गठन करन दा फैसला किया। GST कौंसल दीआं इह सिफारिशां 18 जुलाई तो लागू होणगियां। GST कौंसल वल्लों सूबियां नूं मुआवजा देण संबंधी कोई फैसला नहीं हो सकिया। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में 197.61 लाख तो वध टीके लगाए गए हैं। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक बीते दिन 14,17,000 वैक्सीन खुराकां दित्तियां गईयां। इस दौरान 13,827 कोविड मरीज सेहतयाब होए। कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 98.55% बनी हुई है। हुण तक 4,28,00,000 तो वध मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। देश में मौजूदा समय एक्टिव केसां की गिणती 1,04,555 है।
केंद्र सरकार ने तीनों फौजां च नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान किया जिस तहत अग्निवीरां की भर्ती करन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना बारे कुछ भरम भुलेखे पा के नौजवानों को गुमराह करन का यतन किया गया पर भर्ती लई शुरू रजिस्ट्रेशन विच नौजवान चंगा हुंगारा भर रहे ने। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे सही तथ्य लोगों सामने रखे ने। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर, तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा नाल हुण तू तराशेगा अपने उज्जवल भविख की बुनियाद। नवे नवे हुनर नू कर हासिल, मिलेगी देश नू एक मजबूत आत्मनिर्भर भारती की सौगात। भारत दे अग्निवीर, अग्निवीर बनो। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो वालों श्री हरिकोटा के सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो सिंगापुर के तीन सैटेलाइटा अज पुलाड़ विच दागिया जाएगा। इसरो वालों जारी बयान मुताबिक PSLV-C-53 रॉकेट के जरिए इन उपग्रहों पुलाड़ पंथ स्थापित किया जाएगा। इसरो का यह दूजा समर्पित कमरशियल मिशन है जिसन न्यू स्पेस इंडिया वालों शुरू किया गया सी, जो कि पुलाड़ विभाग की एक जनतक इकाई है। PSLV का यह 55वां मिशन होगा। तकरीबन 44.5 मीटर लम्मा चार पड़ावी रॉकेट 228 टन तो वध वजन नूं लैके पुलाड़ लई रवाना होवेगा। सिंगापुर के तीन वक् वक् सैटेलाइटां नूं आपो अपने पंधां ते स्थापित किया जाएगा, जिन्हां नूं सिंगापुर की नानयांग टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वालों बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट वालों राज्यपाल के फैसले से रोक लाने तो इनकार करन तो बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अहुदे तो इस्तीफा दे दिता। राज्यपाल भगत सिंह कुशियारी ने उन्हां दा इस्तीफा मंजूर कर लिया। राज्यपाल वालों मुख्यमंत्री नूं विधानसभा च बहुमत साबित करने लिए कहा गया सी। मुख्यमंत्री दे इस्तीफे नाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन टुट गया। सोशल मीडिया ते एक वीडियो संदेश च ठाकरे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री दे अहुदे तो इस्तीफा देण दे नाल विधान परिषद की मैंबरशिप भी छड रहे ने। ठाकरे ने अपने संदेश च बागी विधायकां एकनाथ शिंदे ते गुलाब राव पाटिल नूं भी निशाने ते लिया। मौसम विभाग मुताबिक अगले चार दिनों तक पंजाब सने उत्तर भारत के कई सूबे च मीह पैण की संभावना है। महकमे मुताबिक मानसून आज दिल्ली पहुंचने की संभावना है, जिस तों बाद 1 जुलाई भलके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते चंडीगढ़ च भारी मीह पै सकदा है। मौसम की स्थिति के मद्देनज़र खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के विज्ञानियों वालों किसानों को फसल में पानी ना लगाउण अते स्प्रे ना करन की सलाह दित्ती है। भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और पुरुष मुक्केबाज अनंत चोपड़े ने कजाकिस्तान चल रहे एलरोडा कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों च जगह बना ली है। कल खेडे गए मुकाबलों च सिमरनजीत कौर ने 66 किलोग्राम भार वर्ग च इस कनोवा नू मात दिती, जबकि अनंत ने पुरुषों के 54 किलोग्राम भार वर्ग च मंगोलिया के मुक्केबाज गन गोल्ड नू 3-2 के फर्क नाल हराया। क्वार्टर फाइनल च सिमरनजीत का मुकाबला चीन की जू जी चून नाल होगा, जबकि अनंत का मुकाबला मेजबान कजाकिस्तान के अलतन बेक नाल होगा। इस टूर्नामेंट लई 33 खिडारियों का दल वक् वर्गों च भाग लै रहे, जिन्हों 12 पुरुष खिडारी ने।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।